Welcome to Bollywood Talks with Nasir. Oh yeah, Nasir. हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नासिर। वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। इतने टाइम के बाद आया हूं। देखो, शो का नाम याद रहा मुझे मैं भूल गया था क्या शो था मेरा। बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। हाँ, और मैं नासिर हूं, और आज मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छे कलाकार, एक बहुत अच्छी लेगेसी के साथ आते हैं। बहुत सारा काम किया है, आप लोगों ने इन्हें देखा है, और अब मेरी तरह ये भी अपनी ज़िंदगी के एक नए पड़ाव में आए हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, एक्चुअली इनका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, बिकॉज इनको जाना है एक घंटे में, बहुत बिजी आर्टिस्ट हो गए अभी। तो चलिए मिलते हैं आर्या बब्बर से। शुक्रिया सर, मुझे पता नहीं आप मेरी तारीफ कर रहे थे कि मेरे आप मेरी तारीफ ही कर रहे थे। आप मुझे भैया बोलते हैं। आप मुझे भैया बोलते हैं, पर मुझे भैया सबसे पहले थैंक यू आर्या आने के लिए, बिकॉज बहुत शॉर्ट नोटिस पे I invited you and so thankful कि you have come here। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए भी एक नया पड़ाव है, ये जो सारा आजकल सोशल मीडिया का जमाना चला है, आपके लिए भी एक नया पड़ाव आया है रिसेंटली। तो सबसे पहले हम उस चीज़ की बात करेंगे, बिकॉज आर्या बब्बर की एक लेगेसी है, एक हिस्ट्री है, जो फिल्में की हैं, एक जर्नी है, हम उस पर तो आएंगे। लेकिन उस जर्नी के पहले, ये जो जर्नी में जब चेंज आया है, आर्या बब्बर द स्टैंड अप कॉमेडियन, ये कैसे हुआ? ये वाओ, आई लाइक दैट वी हैव डाइव्ड डायरेक्टली इनटू द मेन थॉट। आई थिंक दैट्स सो गुड, बिकॉज़ आई एम रियली, भैया यू नो व्हाट, सॉरी बिफोर आई इवन स्टार्ट, आई एम सो फेड अप ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ आपने अपने अपने पापा से क्या सीखा। अरे यार, ये इस सवाल का मैं क्या जवाब दे सकता, सब कुछ सीखा है यार। देखो, जो जवाब मैं देता हूँ ना, आप वही जवाब बोलो। आज बताएं मुझे प्लीज। तो जो मुझसे पूछता है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, जैसे आपके फादर हैं, आपने उनसे क्या सीखा है? मेरे भी फादर ही हैं वो, मैंने भी उनसे वही सीखा है। बाप बाप होता है, चाहे उसका नाम हो या वो कोई काम कर रहा हो। हाँ। फादर इज अ फादर। बिल्कुल, सब फादर अपने बच्चों को एक एक्सपीरियंस और एक सीख देते हैं। जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमारे फादर एक्टर है तो उन्होंने हमको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिया होगा। या तो कभी कभी डर लगता है जब कोई फिल्म नहीं चलती तो ये लोग पूछते हैं, आपने अपने पापा से क्या सीखा? हाँ। तो उस समय हम क्या बोले? बट ओके, कमिंग डायरेक्टली टू द थॉट, आई वाज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे। भाई मैं काफी ऐसा काम कर रहा था हिंदी फिल्मों में जो मुझे पसंद नहीं था। क्रिएटिवली मैं उन चीजों को लेकर एज सच खुश नहीं था। तो फिर क्यों कर रहे थे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं थे? तो व्हाई वर डूइंग इट? आई वाज डूइंग इट बिकॉज मैंने जुहू में एक नया घर लिया था, एंड माय वाइफ एंड मी हैड जस्ट शिफ्टेड, कोविड हैड हिट अस, एंड हमने ये सोचा था कि यू नो अभी करते करते घर बना लेंगे, बट घर में शिफ्ट हुए, कोविड हिट अस, हमारी जो सेविंग्स थी वो बहुत ज़्यादा घर में लग गई, टू सर्वाइवल में लग गई। सो आई अंडरस्टूड इफ आई हैव टू फिनिश द हाउस, मुझे काफ़ी सारा ऐसा काम भी करना पड़ेगा जिसको लेकर मैं ज़्यादा खुश नहीं, बट जो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा पैसा देता है, एंड जो उसने दिया, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट वर्क, फॉर द मनी दैट इट प्रोवाइडेड, एंड ऑल्सो उस काम ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखा दी, वो ये है कि मोह माया इज अ गुड थिंग, पैसे से प्यार करना कोई बुरी चीज नहीं, वो अच्छी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आज भी काफी ज्यादा ऐसा काम कर रहा हूँ हिंदी में, व्हेन इट कम्स टू सम प्रोजेक्ट्स, जो मैं महीने में कुछ दिन निकालता हूँ, तो मैं सिर्फ इस वजह से करता हूँ कि यार मुझे बहुत पैसा मिल जाएंगे। हाँ, कि आपका जो खर्चा है वो चलता रहे। हाँ, और बहुत आसानी से चले। बट क्रिएटिवली इन कामों में मैं बिल्कुल खुश नहीं था, बिल्कुल खुश नहीं था। उसमें खुश रहने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए। से मेरे फादर बोलते थे कि बेटा याद रखना कि कभी भी अच्छे काम के लिए ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको वो खुशी चाहिए कि काम तो कर रहा हूँ बट क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं, तो वो भूल जाओ ना। आपका जो मकसद है कि भाई मुझे घर के खर्चे हैं, जो लोगों को लगता है कि बिकॉज हम एक फैमिली से आते हैं, अरे इनके पास तो बहुत होगा, इनको क्या प्रॉब्लम होगी, बट सच्चाई में, हकीकत में, जो मुश्किलें लोगों को सहनी पड़ती है, वो मुश्किलें आर्य बब्बर को भी सहनी पड़ती है। ये भी एक इंसान है। जी बिल्कुल।
that's what happened, and I lot of people around me were doing स्टैंड अप कॉमेडी भी लोग काफी कर रहा था, मैं काफी वक्त से देख रहा था. मेरा कॉमेडी की तरफ काफी रुझाव भी था क्योंकि मैं लिखता भी हूँ, मुझे कॉमेडी लिखने का भी बहुत ज्यादा शौक था. एंड माय वाइफ, उनका नाम जैस्मिन है, जैस्मिन जो है वो शायरी बहुत करती हैं और वो ओपन माइक पोइट्री के लिए बहुत जाते हैं, तो मैं उनका बहुत मजाक उड़ाता था कि ये क्या है ओपन माइक पोइट्री और तुम लोग ताली नहीं बजाते, वहां चुटकी बजाकर अप्रिशिएट किया जाता है. हाँ. ये बहुत एक चीज है, तो मैं बहुत मजाक उड़ाता था कि हाँ मतलब ये कोई बात है, मैं वहां बैठा हूँ और मेरी बीवी को देखकर कोई चुटकी बजा रहा है, क्या बदतमीजी बढ़ती है. तो वो थी कि तुम इतना ही, अगर तुम्हें मजाक उड़ाना है और इतना ही तुम वो, तो तुम आओ स्टैंड अप कॉमेडी एक ओपन माइक ट्राई करो. शी जस्ट गिव मी अ चैलेंज वन डे एंड आई ऑनेस्टली आई जस्ट, मैंने कहा हाँ हाँ करते हैं, चलो कूद गए. एंड पहला ओपन माइक जो था वो बेहतरीन चला गया, लोगों ने तालियां बजा दी. तो वो लिखा किसने था? वो लिखा मैंने ही था. एंड जब वो तालियां बजी, वो काफी वक्त हो गया था कि कानों ने तालियां सुनी नहीं थी. एज अ आर्य बब्बर, एज एन एक्टर, एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ परफॉर्मर, जब वो तालियां बजी बहुत अच्छा लगा. और फिर बस एक 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 चाह हो गई कि यार ये क्या कर रहे हैं, शाम को कुछ नहीं कर रहे, चले यार ओपन माइक में कहीं चले जाते हैं यार, कुछ करेंगे लोगों के साथ बैठे. एंड दैट सेम फायर दैट परहैप्स आई हैड व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड और 25 इयर्स ओल्ड, जब मैंने पहली फिल्म गुरु के लिए जब मैंने पहली बार ऑडिशन दिया था, या मेरी पहली फिल्म के लिए जब मैं काम करने गया था, वो सेम फायर वापस एज अ क्रिएटिव पर्सन जागने लगा. सो स्टैंड अप कॉमेडी मेरे लिए वो जगह बन गई ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रैटिफिकेशन. तो ये जो चुटकियों से तालियां का जो सिलसिला रहा, ये तो वी नो व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई यू केम इनटू द स्टैंड अप कॉमेडियन और स्टैंड अप कॉमेडी मीडियम, और उससे आपको एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिला जी, जो करियर के शुरू में मिला था. जी जी करेक्ट जी बिल्कुल. तो ये जो एक्टर बनने का सिलसिला है, स्टैंड अप कॉमेडियन हमको पता है कि वाइफ का एक चैलेंज था, वाइफ की जो बातें थी, बट एक्टर बनने का जो ये जज्बा था, ये जो चाह थी, ये कब कैसे शुरू हुई? बचपन से था, बिकॉज फैमिली इन्फ्लुएंस था, व्हाई? आई थिंक मैं एक ऐसे घर में बड़ा हुआ भाई जहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स and creative and cinema and theater and playwrights and cinema you know writers, इन सब की हमेशा बातचीत होती रहती थी, क्योंकि पापा जो हैं फिल्में एंड NSD, मम्मा जो हैं वो NSD एंड थिएटर एंड एकजुट. हम स्कूल के बाद जो थे, हमारे लिए हमारा अम्यूजमेंट पार्क पृथ्वी थिएटर है, हम लोग वहाँ जाते थे खेलने. मेरे लिए बेस्ट गेम होता था ऊपर की सीट से नीचे कूदते हुए आना और फिर स्टेज पर जाकर जो दूसरे एक्टर्स कर रहे हैं उनके साथ खड़े होकर करना परफॉर्म, हमारे लिए वो गेम होता था. एट एन एज जहां पर पता भी नहीं था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या स्टेज फ्राइट क्या होता है, वी नेवर हैड वो स्टेज फ्राइट जो चीज होती है, उस चीज से मैं कभी गुजरा नहीं, मेरी बहन भी नहीं गुजरी, क्योंकि हम लोग इस तरीके से बड़े किए गए. एंड हमें बचपन में ही समझ में आ गया था कि फ और फ में क्या फर्क होता है और क और क में क्या फर्क होता है, समझा दो, बिकॉज यहाँ बहुत सारे फ और फ और क और क वाले बैठे. अरे मैं क्या समझाऊं, आजकल तो ये समझाने शुरू हो गया है कि फिर जो है वो फिर है और हम गलत बोल रहे हैं और फिर नहीं होता और आपको मतलब ऐसे बैठना पड़ता है. आजकल तो च और चू में भी फर्क नहीं होता क्या? वो फर्क तो बहुत पहले खत्म हुआ था भैया. कहा है कि वो भैया भैया है? भैया बोलता हूँ पर भैया होने सो एक्सप्लेन टू द पीपल के फ और फ में क्या फर्क होता है. बहुत सारे लोग फिर कहते हैं, फिर से आ गए,
हाँ, मटका फूट गया, मटका फूट गया, वो मटका फूट गया होता है और वो फिर से आगे होते हैं, और वो फंदा होता है और फूल जो होता है वो फूल होता है, और फूल जो होता है वो फूल होता है जो फूल को फूल बोलता है। व्हाट द, अब फर्स्ट से बोलूं कि फर्स्ट से बोलूं? आपको जहां से सही लगता है बोल दीजिए। तो बचपन में ये जो डायफ्राम से डायफ्राम, करेक्ट, हाँ ये भी एक, हाँ, तो ये जो सारी थिएटर की जो टेक्निक्स हैं जी, जो सारी बातें हैं, जो जबान है आपकी जी, डेफिनेटली बचपन से ही डंडा मार के सब सही किया गया होगा। जी 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 जी। सो नाउ आर यू यूजिंग दिस इन योर स्टैंड अप कॉमेडियन? अभी जैसे आपने एक छोटा सा जोक बना दिया इसका, तो ये इसको आप बनाते हो कि उर्दू को लेके या लैंग्वेज को लेके? हाँ, मेरा एक है, जैसे मैंने, जैसे मैं पंजाबी फिल्में भी बहुत करता हूँ, एंड पंजाबी सिनेमा इज ऑनेस्टली सम प्लेस जहाँ पर मुझे सो कॉल्ड बॉक्स ऑफिस सक्सेस बहुत अच्छी मिली है, और वहाँ पर बिकॉज बॉक्स ऑफिस सक्सेस बहुत अच्छी मिली है वहाँ पर मैं बहुत अच्छा एक्टर माना जाता हूँ। ओके, क्योंकि ये सच्चाई है, जहाँ फिल्में चलती हैं वहाँ पर बहुत अच्छा एक्टर माने जाते हैं। ये बहुत सही बात कही है कि टैलेंट डज नॉट डिफाइन कि ये एक्टर अच्छा है कि नहीं, आपका सक्सेस डिफाइन करता है कि ये एक्टर अच्छा है कि नहीं। बिल्कुल सही कहा। यू नो, और जैसे आई ऑलवेज गो बैक टू दिस वन इंटरव्यू दैट आई सॉ ऑफ मनोज बाजपेयी। यू नो, व्हेनेवर आई फील लो इन लाइफ आई लाइक वॉचिंग इंस्पायरिंग इंटरव्यूज और इंस्पायरिंग वीडियोज ऑफ अदर एक्टर्स हु आई फील आर वेरी वेरी टैलेंटेड, और पर से उस समय उनको वो सफलता नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं हमेशा से ही अच्छा एक्टर था, ये मेरा वक्त अच्छा नहीं है। करेक्ट, ये मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ, ये मैं हमेशा कहता हूँ। लोग बोलते हैं पंकज त्रिपाठी कितना अच्छा एक्टर है, सेड नहीं, पंकज त्रिपाठी हमेशा से अच्छा एक्टर था। बिल्कुल, उसको सक्सेस मिली तो आपको दिखा। पंकज त्रिपाठी, दिलीप कुमार, जॉनी वॉकर, राज बब्बर से बहुत सारे अच्छे एक्टर पड़े हुए हैं, मौका नहीं मिला उनको। बिल्कुल सही है, आप पेरेंट्स गॉट द अपॉर्चुनिटी, इसलिए वो दिखे हैं। बिल्कुल, उनसे बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, उनकी किस्मत नहीं थी, उनको मौका नहीं मिला। माय डैड डिसीजन ना कि बेटा ये दुनिया की एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है हमारी, हिंदी सिनेमा की दुनिया की एक ऐसी लौती इंडस्ट्री है जहां 99.99% किस्मत चलती है, उसके बाद आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका एटीट्यूड, और दूर कहीं कोने में आपका टैलेंट। एटीट्यूड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं इसमें मतलब 100% एग्री करता हूं कि एटीट्यूड मेक्स, लेकिन किस्मत, किस्मत तो ऑब्वियसली है भैया, किस्मत, बिकॉज यू हैव आल्सो, आर्य बब्बर ने भी एक जर्नी देखी है जी भैया, कहां से शुरू करके कहां जाके, फिल्म्स चली नहीं चली, देन कमिंग डाउन, नॉट गेटिंग वर्क, वो जो जर्नी है, बिकॉज लोगों को लगता है कि यार, अरे इसको क्या है, तो राज बब्बर का बेटा है, इसको तो मिल जाएगा ना काम। दैट जर्नी इज व्हाट आई वांट टू नो। देखिए, वो जर्नी कुछ होती नहीं है, वेरी ऑनेस्टली, मुझसे ज्यादा वो जर्नी के बारे में आप समझते हैं, या काफी सारे, जैसे इस मोमेंट पर मुझे मालूम है काफी सारे ऐसे एक्टर्स भी मुझे देख रहे होंगे जो नेपोटिज्म, ये जो लव्स है और स्टार किड्स को नहीं पसंद करते। आई लव्स इट, आई एम श्योर यू डू, आई वंडर व्हाई, बिकॉज मैं अपने फादर पे बहुत प्राउड फील करता हूँ, और अगर मेरे फादर ने कुछ अचीव किया है दुनिया में तो वो मैं ही उसका हकदार हूँ। या तो क्यों नहीं, जैसे यू नो, आई विल टेल यू वन थिंग, देयर इज अ फैंटास्टिक कॉमिक कनन गिल, ही हैज मेड अ ग्रेट कोट ऑन नेपोटिज्म। हिज कोट ऑन नेपोटिज्म इज के लोगों की प्रॉब्लम नेपोटिज्म से ये नहीं है कि ये उसकी औलाद है, ये अचीव कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमें वो नहीं मिल रहा, क्योंकि ये उसकी औलाद है। सो द पॉइंट ऑफ नेपोटिज्म इज जेलेसी, ये उनका कोट है। मैं इस कोट को पढ़ के इतना हंसा क्योंकि ये आई डू अंडरस्टैंड दिस। जैसे जब मैं बड़ा हो रहा था, अनुपम जी के बेटे हैं सिकंदर, और हम दोनों एक दूसरे के अजीज दोस्त हैं, एंड अनुपम अंकल यूज्ड टू, दिस इज अ वेरी लाइक अ टोटल वियर्ड एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं, अनुपम अंकल used to, when we were kids, Sikandar and me, used to get him the best toys and shoes from America and everything. And I used to get really pissed off.
एंड माय एंगर विद माय फादर वाज वो विलन है वो अपने बेटे के तरह होगा, आप हीरो, आप नहीं ला सकते मेरे लिए। माय फादर यूज्ड टू बी लाइक, माय पार्टनर इज गोर्की यूज्ड टू बी लाइक, गोर्की व्हाट आर यू इवन से, मतलब क्यों नहीं ला सकते आप, उनसे तो दादा कमा रहे होंगे, मतलब इससे ज्यादा मतलब रीजनिंग नहीं दे सकता मैं अपने पिता। सो माय फादर बेचारे वो कुछ उस जमाने में बहुत ज्यादा ये होता था ना, एक्टर्स यहाँ से वहां जाते हैं, उनके क्या बोलते हैं वो शोज वगैरह लगते थे, तो गए थे एंड ही इज प्रैक्टिकली स्टेड बैक 4-5 डेज इन वन होल सूटकेस ऑफ थिंग्स हैव बीन कम बैक फ्रॉम। सो माय पॉइंट हियर विद नेपोटिज्म इज कि आई वेंट थ्रू द फैक्ट ऑफ बीइंग जेलस ऑफ अनदर फादर गिफ्टिंग हिज सन, सो आई अंडरस्टैंड व्हेन पीपल get jealous of me or you or an XYZ that why are they someone else's son who's achieving something without us not getting it. So I get that. मुझे वो point समझ में आता है। लेकिन मैं in the most privileged manner, नहीं लेकिन मैं उसमें I will interrupt you and I will say one more thing जो लोग realize नहीं करते हैं कि जब star kids के बच्चों को नहीं मिलता ना जो उनके father ने achieve किया है, बच्चों को तो बुरा लगता ही है लेकिन जो इम्पैक्ट माँ बाप पे होता है ना वो देयर पेरेंट्स डोंट नो व्हाट दैट इज, देयर पेरेंट्स डोंट नो, उनको तो लगता है कि यार मेरे बच्चे का तो फोटो आ गया पेपर में, बट हमारे माँ बाप ने इतना कमाया, इतना नाम, इतनी शोहरत कमाई है, एंड व्हेन दे सी कि यार इसको नहीं मिला, वो छुपाते हैं वो पेन, बट वो नजर आता है एज ए चाइल्ड हमको, विच देयर पेरेंट्स will never know that feeling. That's what I feel. Wow. That's and I'm sure you also must have somewhere, you probably realizing it now that I'm saying it. Yes. But raat ko agar aap introspect karoge na aapki life mein, flashback mein jaake, to aapko realize hoga. Bilkul. Mujhe lagta hai, jo aapne baat ki, it makes a lot of sense. Makes a lot of sense. Aur ab आप अपने फादर से पूछोगे भी तो ही विल टेल यू आल्सो नाउ बिकॉज़ नाउ यू हैव कम ऑफ अ सर्टेन एज या एंड आई थिंक वी आई थिंक इफ यू स्पीक टू हिम ना टुडे आज अगर आप बात करोगे ना राज अंकल से तो बोलेंगे आपको तब शायद नहीं बताते या नहीं जाहिर करते व्हिच दे विल नेवर नो तो वो कहता ना कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता तो ये वो वाला हाँ यार ऐसा भी नहीं होता है कि oh this person is not a good actor matlab for example like you know when we guys were growing up we like you know few years elder to me but I'm sure you also seen this like Javed Jafri sir super talented actor yeah. superb dancer super good looking guy when he came everything yeah and awaz bull ha and bullseye hit with yeah. the first meri jung yeah hit hit bullseye didn't get it but it's not that he's bad he's superb wo bhi to kehta hai wo 99.99% kismat ka khel hota aaj tak matlab with all due respect there is no dancer close to Javed sir no Javed is all rounder talented yeah his action Javed is all rounder talented comic wow and today comedy he killed it yeah so right तो इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस तो अब जो आर्य बब्बर की जो जर्नी है अब क्या हो रहा है हाल ही में और फ्यूचर में क्या आप देखते हैं भाई देखिए मैं पास्ट की बात नहीं करूंगा बिकॉज पास्ट हम सबको पता है हाँ। लोग जुजल कर लेंगे उसमें जुजल कर लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है और मेरा ऐसा है नहीं कि जूम करो उसकी आंखों में आंसू आ रहे नहीं अगर मैं चाहता हूँ आंखों में आंसू तो मैं हंसी वाले चाहूंगा सुपर गम के बहुत हो चुके आरे सुपर है ना सर टेल मी अभी आरे बब्बर किस चीज में बिजी और क्या कर रहा है यार एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज मैं कर रहा हूँ विच हैज हैपेंड टू मी सिंस अ फ्यू इयर्स एंड स्पेशली थ्रू स्टैंड अप कॉमेडी इज कि मैंने खुश रहना सीखा है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है मैं अपने साथ यहाँ एंड अपनी खुद के स्पेस में मैं बहुत कंफर्टेबल हुआ
जो मैं काफी सालों के लिए नहीं था, मैं नहीं था. एंड मैं इसलिए नहीं था क्योंकि सोसाइटी आपको होने नहीं देती. आपको बहुत ज्यादा जजमेंट की नजरों से देखा जाता है, और क्योंकि सोसाइटी आपको जजमेंट की नजरों से देख रही होती है और आप खुद के कॉम्प्लेक्सेस में इतने ज्यादा खोए होते हैं कि आप कंफर्टेबल होना नहीं चाहते. आप खुद भी कंफर्टेबल नहीं. मैं स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, मतलब मुझे लगता है मुझे स्टैंड अप कॉमेडी ने बिसाइज द सक्सेस भी जो मुझे ये इंडस्ट्री दे रही है स्टैंड अप कॉमेडी की, उसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ दिया है. मुझे अपने साथ उसने बहुत रिलैक्स किया है विथ माई ओन कॉम्प्लेक्सेस, माई स्पेस, माई बॉडी, माई माइंड, माई एवरी सिंगल थिंग. जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर ये मेरे साथ कोई और इंटरव्यू हुआ होता आज से 2 साल पहले, आई वुड हैव कलर्ड माई बियर्ड एंड नहीं यार, नो आई डोंट केयर, डज नॉट मैटर, आई एम अ ब्लडी गुड लुकिंग मैन. सुबह शेव करके आया मैं, बिल्कुल सही, वो सब सफेदी थी. आई सेड नहीं, आप, मैं आपका बड़ा भाई हूँ. हाँ हाँ बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ डैडी. भैया हूँ. भैया समझ रहा हूँ. ये हेडलाइन होगी. बता रहा हूँ. सर, द स्टैंड अप, द शो हैज डन वेरी वेल. आफ्टर 1-1.5 ईयर ऑफ डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी, आई स्टार्टेड माय शो. इट्स कॉल्ड सीजनल एक्टर, क्योंकि नेपोटिज्म हर किसी का काम नहीं आता. एंड द शो इज डूइंग वेल. करते कराते हुए मैं जी टीवी का एक शो जो है उनकी नजरों में आ गया. करेक्ट, उस स्टैंड अप की वजह से. मे बी क्योंकि मेरी रील्स बहुत वायरल हुई. ओके, मेरी स्टैंड अप की. लेकिन ये कैरेक्टर तो कॉमेडी नहीं है. बिल्कुल नहीं, बट वो होता है ना, दिखना जरूरी. यू हैव टू बी सीन. जब तक लोग आपको देखेंगे नहीं, आप दिख कैसे रहे हैं, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, पता कैसे होगा? मैं पैसे देकर मीडिया नेट से अपनी फोटो कहीं छपवा दूं, उससे घंटा मेरा कोई फायदा नहीं है सर. करेक्ट, क्योंकि मैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक परफॉर्मर हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं. नॉट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, इट्स ग्रेट. वो दो अलग अलग, आज तो वो दो अलग अलग प्रोफेशन हो गए. एंड इट इज अ ग्रेट प्रोफेशन फॉर द पीपल हु आर डूइंग इट, बट आई एम नॉट वन. आई एम अ परफॉर्मर, नॉट जस्ट एन एक्टर, आई एम अ परफॉर्मर. यू नो, माई पॉइंट इज इन माई ब्रेन इज टू एंटरटेन. आई एम एन एंटरटेनर. सो उन लोगों ने शायद मेरी कोई रील देखी, कुछ देखी, लुक उनको पसंद आया, कुछ हो, उन लोगों ने मुझे कॉल किया. और मुझे पहला कॉल जो आया वो ये हुआ है, मुझसे पूछा गया, सर क्या आप टीवी करना चाहेंगे, आप करेंगे? मैंने बोला मैं क्यों नहीं करूँगा. बोला नहीं सर, आप पता नहीं करें. दिस अगेन गोज ऑन टू द फैक्ट कि क्योंकि आप अमीर हैं, या सो कॉल लोगों का भ्रम है कि आप अमीर फैमिली, जो आपने स्टार्टिंग में कहा, लोगों को लगता है कि यार ये क्यों करेगा, इसको क्या जरूरत है. मैं टू दिस पॉइंट कहना चाहूँगा कि क्यों नहीं करूँगा या क्यों ना करें. एट द एंड ऑफ द डे, अगर कोई एक अभिनेता है, वो जब तक अभिनय नहीं करेगा तो वो लोगों से कैसे पहुँचेगा और बताएगा कि उसको अभिनय आता है. देखो, मैं एग्जांपल क्या देता हूँ, जितने भी सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं, जो 3-4 सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं, बिना नाम लिए सबको पता है कौन है, वो आज भी सब काम कर रहे हैं, आज भी सब पैसा कमा रहे हैं, ऊपर वाले ने उनको बहुत ज़्यादा दिया है, फिर भी वो काम कर रहे हैं ना और पैसा कमा रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? तो उसमें जो आपने शुरू में कहा था कि पैसों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है. बिल्कुल सर, टॉकिंग अबाउट, सिर्फ पैसों से प्यार करना बुरी बात होती है. वेरी गुड, वेरी नाइस. ये लिख लो स्टैंड अप के लिए. बिल्कुल लिख लेता हूँ सर, थैंक यू. हाँ, कॉल किया, मैं गया एंड आई ऑडिशन फॉर द रोल. भाई देखो, ये भी ऑडिशन करते हैं. हाँ, आई डू. एंड मुझे काफी सारे, मेरा काम जिंदगी में ऑडिशन की वजह से ही मिला है मेरे भाई, जैसे आपको मिलता है. और कितने रिजेक्टेड ऑडिशन हैं? बहुत सारे. हाँ, बहुत सारे. करेक्ट, यू नो. तो ये हुआ, रोल पसंद, मतलब सब कुछ पसंद आया, ये हुआ वो हुआ, एंड इट्स वर्कड आउट. टुडे आई एम डूइंग दिस शो कॉल्ड जागृति, एक नई सुबह.
जागृति एक नई सुबह, जो जी टीवी पे, जो जी टीवी पे आ रहा है। कितने बजे आता है वो? ये 8:30 बजे आता है, तो देखना ना भूलिएगा जागृति एक नई सुबह जी टीवी पे हर दिन 8:30 बजे। 8:30 बजे इसमें हमारे आर्या भाई आपको नजर आएंगे एक जबरदस्त किरदार में, एक टफ रॉयल आदमी बने। किरदार का नाम है कालिकांत ठाकुर, आई एम द मेन एंटागनिस्ट ऑफ द शो। प्लीज आइए देखिए, शो एंजॉय करिए और देखिए कि ऐसे आदमी कालिकांत ठाकुर जो है ऐसे लोगों से कैसे लड़ना है, क्योंकि ऐसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या है वो कैरेक्टर? ये बेसिकली भैया एक मिसोजिनिस्ट है एंड अल्फा सो कॉल्ड नेगेटिव अल्फा स्पेस का आदमी है, जो बिलीव करता है कि चित्ताओं की एक कम्युनिटी है, एक फिक्टिशियस सोसाइटी है, जिनको पैदाइशी क्रिमिनल करार किया जाता है, उनकी उंगलियों के निशान वगैरह ले लिए जाते हैं और ये उनके ऊपर हुकूमत करता है। सो दैट इज द स्पेस। ओके, एंड वो कैरेक्टर अब जब आप शूटिंग पर जाते हो, कितने टाइम के बाद आर्य बब्बर इज गॉन ऑन अ सेट एंड डूइंग मेकअप एंड परफॉर्मिंग, जो उसको मजा आ रहा है करने में? जो मुझे मजा आ रहा है करने, आफ्टर अ डेकेड। इसके पहले क्या था? इसके पहले आई वुड से वाज ऑब्वियसली पंजाबी फिल्म्स दैट आई एंजॉयड एंड आई हैव ऑलवेज एंजॉयड एंड, बट ऐसा नहीं है पंजाबी फिल्म्स, बीच में भी मैंने कुछ ऐसी एक दो की हैं, जैसे अभी एक मेरी पंजाबी फिल्म रिलीज पर है, अक्टूबर में रिलीज होगी। बट कीपिंग दैट असाइड, आई वांट टू टॉक अबाउट हिंदी वर्क। व्हेन आई टॉक अबाउट माय हिंदी वर्क, इट्स मोर देन अ ईयर, मोर देन 10 ईयर्स आई हैव नॉट गॉट एनी गुड हिंदी वर्क जो मैं कह सकता हूँ कि यार ये मैं मजा ले रहा हूँ। और मैं डायरेक्टर को खुद बोल रहा हूँ, सर एक और लो सर, मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ, इससे एक और लीजिए। तो ये शो एयर पे आ चुका है? बिल्कुल एयर पर आया, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आपके पेरेंट्स ने एपिसोड्स देखे? जी हाँ। मम्मी ने, डैडी ने? जी देखे। तो देखने के बाद डैडी ने क्या कहा, उन्हें कैसा लगा? जी दोनों पेरेंट्स, मतलब मम्मी पापा दोनों को बहुत अच्छे लगे, एपिसोड्स बहुत अच्छे लगे। माँ तो ऑब्वियसली मदर गेट्स ओवरवेल्म्ड, व्हाट डिड शी से, एंड शी वाज वेरी हैप्पी, शी वाज, हाउ अ मदर रिएक्ट्स, यू नो हर रिएक्शन इज ऑलवेज लाइक हाउ अ मदर रिएक्ट्स। डैड्स रिएक्शन वाज वेरी टू द पॉइंट, वेरी क्रिटिकल, वेरी दिस दैट, लुकिंग वेरी नाइस, नाइस परफॉर्मेंस, आई लाइक जिस तरीके से तुम नेगेटिव कर रहे हो, डायलेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग है, बिकॉज ऐसा रोल स्पेशली जो लास्ट 1.5 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी में, उससे बहुत अलग है और मैंने अपनी जो छवि बदली है उससे भी बहुत अलग है। तो स्टैंड अप कॉमेडी के शोज के लिए आए मम्मी डैडी? यस, दे कम, माय फर्स्ट शो दे थे, एंड हाउ डिड दे लाइक दैट? दे डिड एंजॉय इट। कुछ जोक्स तो फैमिली पे भी थे, सो थैंकफुली दे टुक इट। बट उनको कुछ एज अ पेरेंट क्या उनको कुछ फर्क लगा कि यार ये तेरा बेटर था या वो तेरा बेटर था? व्हाट डिड आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी में दे आर सीइंग द रियल मी, बिकॉज ये मैं घर पर भी हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी हूँ। हाँ, मैं जैसा आपके साथ हूँ यहाँ पर, वैसा ही मैं स्टैंड अप कॉमेडी में हूँ और वैसा ही मैं घर पर। सो दैट्स द स्पेस। दोनों में उनको क्या फर्क लगा कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन, ये स्टैंड अप कॉमेडी और ये जो शो में जो आपका रोल दिखा है उसके बारे में कि ये वाला बेटर है बेटा, ये कर ऐसा कर? डैड इज ऑलवेज मोर प्रो एक्टिंग, सी ही इज एन एक्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ मैन जिसने टूंडला जैसे जगह को छोड़कर बाहर निकले, पटियाला गए, वहां पढ़ाई की, NSD ज्वाइन किया, मुझे एक्टर बनना, किस जुनून से वो आदमी निकला होगा, बंबई में आया, अपना मतलब अटकाड़ के अपनी जगह बनाई, के लिए एक्टिंग जो है वो फोकस कभी हिला नहीं। एंड गॉड्स ग्रेस, ही हैज बीन ब्लेस्ड विद दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स। एंड राज अंकल केम इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम व्हेन ऑल दीज सुपरस्टार्स, वो ऑलरेडी मंझे हुए सारे बड़े बड़े सुपरस्टार, एक दो नहीं सारे के सारे, सारे थे, चाहे वो धर्म अंकल हो, विनोद खन्ना, बच्चन साहब, सारे जितने भी थे, जितेंद्र, ये वो, सबकी अपनी स्पेस है। उसके बीच में एक ऐसा एक्टर ना राज बब्बर, कभी कौन कहा, एंड देन टू लीव हिज मार्क, सो दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल, एंड द फिल्म्स इज डन। हम पांच, इंसाफ का तराजू, इंसाफ का तराजू, मतलब इंसाफ का तराजू, उस जमाने में ऐसा रोल करना, एक्टर डर जाए बिल्कुल करने के लिए, बट राज अंकल डिड दैट, ही डिड टू फिल्म्स विद माय डैड,
यस, रिश्ता कागज का एंड मजदूर। आपके पापा के वजह से मुझे मेरे पापा के थ्रू इतनी इतनी सही सीख मिली है ज़िंदगी की, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जिसके वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो काफ़ी काफ़ी सही रहती है, बट मेरी पर्सनल लाइफ भी, फैमिली लाइफ भी, पर्सनल इंट्रो रिलेशनशिप्स ऑफ फैमिली भी सही रहती है, क्योंकि यहाँ से मुझे रिलैक्स रहता है। इफ़ ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, बट इफ़ यू मे अलाउ मी प्लीज़, इनके पापा ने मेरे पापा को एक बहुत अच्छी सलाह दी थी एक सेट पर ड्यूरिंग रिश्ता कागज का। यस, कि डायरेक्टर जो थे, ये जो थे उस फिल्म के, वो बार बार कुछ गलत करवा रहे थे, जो एक्चुअली क्रिएटिवली सारे एक्टर्स को, इवन सर परहैप्स मस्ट हैव फेल्ट कि वो गलत था, तो डैड जो थे वो भिड़ गए थे, पहली बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, चौथी बार समझाया, वो डायरेक्टर समझ नहीं सकता, एंड पापा इरिटेट हुए, तो जॉनी सर सैट विद पापा एंड ही सेड, बेटा तुम्हें आज जिंदगी की बहुत अच्छी सीख दे रहा हूँ। क्या सर? तो बोला देखो, पहली बार समझाओ आदमी को, वो नो ना समझे कोई बात, दूसरी बार समझाओ आदमी को, वो ना समझे कोई बात, तीसरी बार समझाने से पहले तुम खुद समझ जाओ कि वो सही है। इससे तुम रिलैक्स होगे और हर इंसान तुम्हारे पास रिलैक्स रहेगा और तुम्हारे मेंटल स्ट्रेस नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो आदमी यही समझ सकता, नहीं समझ, दो बार समझा दिया, वो नहीं समझ रहा, इस तुसे कि जिंदगी टेंशन ले रहे हो, इस तुसे ना कि जिंदगी में सुखी रहने का नुस्खा, दो बार समझाओ, तीसरी बार खुद समझ जाओ। क्या लाइन है यार। अभी आई मेट राज अंकल एट पृथ्वी फॉर समथिंग, सो ही टोल्ड मी, यार नासिर यार, वो तुम्हारे फादर की एक बात ना, वो कील जैसे मेरे दिमाग में ठुक गई, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, आई कीप टेलिंग पीपल, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मतलब इतना सही ना, मतलब मैंने भी देखो आपको तीसरी बार समझाया नहीं, मैं स्टैंड अप नहीं करता हूँ, मैं सिट डाउन करता हूँ। यस yes. लोगों को बुलाते हैं फिर बोलते हैं सिट डाउन। जी भैया, टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, मैंने अलार्म लगाए हुए, टाइम क्या हो रहा है, देखो उसमें भी पांच ही है। अरे कोई तो टाइम बताए, 4:43। अब बड़े मैंने अलार्म लगाया, अच्छा टेंशन ले रहे हो, ठीक है, हाँ हम भैया हैं, पर भैया समझो मत, आई लव यू, हाँ ओके, सो वी हैव कवर्ड आर्या बब्बर्स जर्नी, एक चेंज फ्रॉम सिनेमा टू स्टैंड अप, जिसने आपको एक पर्सनल इंटरनल सेटिस्फैक्शन दिया, करेक्ट, एंड जब ये मिलता है तो पास्ट की जो चीज़ें होती हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, सक्सेस है फेलियर, इंसान भूल जाता है, यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ फॉरगेटिंग दैट, बिकॉज आपको एक नया जुनून, एक नया जोश मिलता है कि यार तो क्या हो गया अगर मैं इस एज का हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ, बिल्कुल भाई, एंड यू आर गोइंग आउट टू अचीव दैट, एंड नाउ यू हैव गॉट अ न्यू टीवी शो दैट इज अगेन गिविंग यू अनदर मोटिवेशन एज एन एक्टर। जी, तो इतने सालों के बाद आपकी एक्टिंग करियर कौन से साल में शुरू हुई थी? जी 2002, और ये 2024, मतलब 22 साल के बाद, तो देखिए 22 साल का एक पूरा लंबा चौड़ा आदमी होता है, इट इज अ होल लाइफ टाइम, 22 साल के बाद आर्य बब्बर हैज गॉट दैट सेटिस्फैक्शन, न सिर्फ एज अ इंटरनल सेटिस्फैक्शन एज अ इंसान आर्य बब्बर, लेकिन आर्य बब्बर एज एन एक्टर ऑल्सो। तुम जितने भी लोग हैं, नए लोग हैं जो देखते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, इस अचीवमेंट की एक ही वजह है, और वो वजह है इस इंसान का गिव अप नहीं बोलना, इस इंसान का ब्रेक डाउन नहीं होना, इस इंसान का ये नहीं कहना कि छोड़ यार मुझसे नहीं होता, मैं कुछ नहीं करूँगा, एंड दैट इज व्हाट इज़ द अचीवमेंट। शुक्रिया भाई। और अभी जो मैं आने के पहले, हम जो 15-20 मिनट पहले बात किए थे, ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं मिले, हम ओकेजनली मिला करते थे, हाय हेलो होता था, लेकिन आज
I've seen your work also for so long, but today I see a different Arya Babbar, जो मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, as a face, as a personality, जो अभी आपने कहा के क्या होगा अगर बाल सफेद, यार I don't care यार, I'm confident, I know I look good. एक जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है, एक जो जुनून है, एक जोश है और एक करने की चाह है, वो बहुत क्लियरली और बहुत लाउडली और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के बोल रही है. एंड आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी ये नज़र आ रहा होगा. दिख रहा है ना? हाँ. तो ये अरे प्यार से लव. हाँ. तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि ये कितने सारे इंसिडेंसेस होंगे आपकी लाइफ में गिव अप करने के लिए आ रहे हैं? एक ब्रेकडाउन, एक के नहीं अब नहीं होता, आई एम अ फेलियर, सब बोलते हैं मुझे नहीं करना, कितने हुए होंगे टेल मी? होते हैं भैया, होते हैं बिल्कुल. लेकिन उससे ओवरकम हुए हैं? बिल्कुल. ये मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू नो, घर पे बैठे बैठे जब कोई एक्टर सुसाइड करता है, ये बहुत नेगेटिव चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इफ यू अलाउ मी, इफ आई कैन. नो प्लीज प्लीज. यू नो जब कोई एक्टर सुसाइड करता है, हम लोग देखते हैं, बोलता है अरे यार, यू नो क्यों क्यों कर दिया, कोई भी, या कोई भी, एनी इंसान फॉर दैट. हाँ, यू नो देखते हैं और बोलते हैं यार क्यों किया इसने. बीइंग एन एक्टर हु इज गोन थ्रू अ लॉट ऑफ फेलियर, आई अंडरस्टैंड इट फील्स वेरी वेरी सैड, क्योंकि एज एन एक्टर हर एक्टर कभी ना कभी इस मुकाम पर एक जगह जाकर अटकता है अपनी जिंदगी में, जहां पर बोलता अब नहीं होगा यार, आज ना, अब मैं ना, आज मैं नहीं कर पाऊंगा यार, अब नहीं हो पाएगा. उसके लिए ना मेरे पास एक सही मंत्र है, जिस दिन आपका मन कर रहा है ना कि अब नहीं होगा, मत करो कुछ, उस दिन कुछ भी मत करो भैया, वो इतना सॉलिड हेल्प करता है. वो खाना ऑर्डर करो जो तुम्हारा मन है, उस लड़की या उस लड़के से बात करो जो तुम्हें खुश करता है, उन दोस्तों से जाके मिल लो जिनके साथ तुम्हें तफरी करनी है, उड़ा दो जो सेविंग्स है तुम्हारे पास, घंटा बाद देखा जाएगा, और वो दे देता है सर, वो देता है, वो हमेशा देगा, आपकी नीयत साफ है वो देगा. ये जो बात आपने कही ना कि जिस दिन दिल करता है कि छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं करना, तो उस दिन छोड़ दो और कुछ मत करो, और जिस दिन आप छोड़ोगे ना तो ऊपर वाला आपको पकड़ेगा, देखना. एंड ये जो सारी बिल्कुल ख्यालात है ना, ये सब निकल जाएगा. एंड वो फेज ही है यार, वो सिर्फ एक फेज है. एंड वो एक मोमेंट होता है. हाँ, वो एक मोमेंट जिसमें आदमी वो डिसीजन ले लेता है. बिल्कुल. और बस उस मोमेंट पे अपने आप को रिलैक्स कर दो और बोल दो ठीक है, फेज है, मैं निकल आऊंगा, और आप निकल आते हो एक खराब बीमारी की तरह, खराब वायरल की तरह आप निकल आते हो. करेक्ट. अब आपका भी निकलने का टाइम हो रहा है. अच्छा. देखो ऐसे ही होता है, अब बुला लिया, बैठा दिया, बोल रहे अब जाओ. नहीं तो बैठो. नहीं जाना मेरे को. तो जाते जाते एनीथिंग जो कुछ और आप कहना चाहोगे या मुझसे मिस हो गए, बिकॉज मेरा देखो ऐसा कोई वो क्वेश्चन आंसर वाला हिसाब किताब है नहीं. आई टोल्ड यू कि हम आएंगे, बातें करेंगे, एंड बातें हो गई. एंड मेन चीज़ ये है कि आज आपने दो तीन चार चीज़ें ऐसी बोली है जो मुझे भी सीखने को मिली है, जैसे ये वाली बात कि जिस दिन लगता है छोड़ना तो छोड़ ही दो. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. इवन आई हैव लर्न्ड समथिंग फ्रॉम देयर एंड आई एम श्योर जो देख रहे हैं उन्होंने भी कुछ सीखा होगा. तो कुछ ऐसा और कहना चाहोगे आप या मुझसे मिस हो गया होगा विच यू वुड वॉन्ट टू कन्वे टू द पीपल? देखिए मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यू नो टू बी समवन स्पेशली इन परफॉर्मिंग आर्ट्स स्पेसेस, यू नो मैं सिर्फ एक चीज़ उनको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस सो कॉल्ड सक्सेस पे नहीं पहुँच रहे हैं जहाँ पर आपको होना चाहिए, या जहाँ पर आपके यार दोस्तों को लगता है कि आपको नहीं होना चाहिए, तो इट्स ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है. पॉइंट ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. क्योंकि यार जब यू विल गिव अप ऑन योर सेल्फ ना, दैट इज़ द टाइम यू एक्चुअली गिव अप, यू नो. एंड ऐसा नहीं है कि यू नो जिम जाकर आप अच्छे एक्टर बन जाएंगे या फलाने एक्टिंग क्लास ज्वाइन करके आप अच्छे एक्टर बन जाएंगे.
आप जब अपने आप और अपने खुद के स्पेस में कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, और अपने खुद के इनहिबिशंस को आप टेक ऑफ करके रिलैक्स हो जाएंगे, तब आप बेहतरीन एक्टर हैं। वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। एंड आई एम रियली रियली थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर एंड टू कनेक्टिंग विद एवरीवन, एंड इट्स बीन सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू, सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आई रियली विश हम लोग और मिलें, हम लोग और चिल करें। बिसाइड्स दिस आल्सो आप मुझे याद करें थोड़ा। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, अभी आप बिजी हो गए शूटिंग में। मुझे इतना अच्छा लगा व्हेन यू सेड आई वाज सो हैप्पी फॉर यू। शुक्रिया, सो हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू आर्या यहाँ पे आने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। एंड मैं कीमती बोलूंगा नहीं, बिकॉज आप फ्री में आए हो। ऑलवेज ऑलवेज आपके लिए ऑलवेज। एंड थैंक यू सो मच, एंड इट इज अ नाइस सेशन वी हैड। एंड आई एम श्योर आप लोग ने भी जो देख रहे हैं, तो आप सब जानते हैं कि आर्य बब्बर किस लेगेसी से आ रहे हैं। राज बब्बर साहब के बेटे हैं, नादिरा आंटी के बेटे हैं, जो थिएटर में इतना बड़ा एक नाम है उनका, एक थिएटर बैकग्राउंड से हैं। आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शख्स यहाँ पे बैठा है, ये अपने साथ अपने पीछे कितनी सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, कितनी सारी सीख है इनके पास, कितने सबक हैं इनके पास, वो भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन आज नहीं, बिकॉज टुडे वाज मोर ऑफ आर्य बब्बर। लेकिन जितने सारे नए एक्टर्स हैं, थिएटर की इतने सारे टिप्स हैं, आई एम श्योर जो आपको सिखाया नहीं, क्योंकि आपने सुने होंगे और होते होते आपने जैसे फ और फ क और क, ये कितने सारी छोटे छोटे मजाक में हम कह गए, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ें हैं फॉर यू टू बिकम अ गुड एक्टर, फॉर यू टू बिकम अ गुड पर्सन। एंड वो ज़्यादा ज़रूरी है बहुत से। सो उसके लिए आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आया। मैं फिर आऊँगा बहुत जल्द, एंड तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। Welcome to Bollywood Talks with Nasir. Oh yeah, Nasir.